नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लूँगा। इस मॉक टेस्ट में कुल 60 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इन 60 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपकी बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? आपके ऑप्शन है घन घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि, बहुत कम कीमत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? पदम पदम या फ्लो सॉल्वर मार्क चिप्स अनुपम? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? बेसिक, फोरट्रॉन, पास्कल, कोबोल? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद MB प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा कंप्यूटर भाषा में है केंद्रीय प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, केंद्रीय संसाधक एकक, डी है केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, केंद्रीय संसाधक एकक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 बाइट्स का एक होता है किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पेलिनोलॉजी? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलिकोलॉजी? तो क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं पारिस्थितिक विज्ञान, अनुवांशिकी, जनिकी की, वायरस विज्ञान? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इथोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य व गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स या बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्रिक? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, पादप जीवाश्म का? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, पादप जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर,
या सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर, तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपिकल्चर में, पीसी कल्चर में। किस में किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलोरी कल्चर। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर या एक्सीडेशन एंड वॉरियर्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयोग सभी। तो क्या कहते हैं? उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सेल ने। तो किसने किया था प्रतिपादित? ये किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। तो किसने समझाया था? ये समझाया था लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, हार्गो डी व्रीज। तो किसने किया था? ये किया था हार्गो डी व्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से, या उपार्जित लक्षणों की वंशा गति से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं जावा मनुष्य, क्रो मैग्नॉन मनुष्य, या नियंडरथॉल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्योट्रेलिस है जरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जैरासिक काल का सरीसृप, या ट्राइसिक काल का सरीसृप, या ट्राइसिक था जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्योटोरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल, जस्ता। तो क्या है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरा, यानी कि सर्वाधिक कठोर जो होता है वो हीरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, मरकरी, पारा, सोना, कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो कौन सी है इसमें से? यूरेनियम, जो कि सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 2-8, 2-8-7, 2-8-8-8, 2-8-8-2। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस क्रम में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और कांचलियन, अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राक्साइड, बोरॉन नाइट्राक्साइड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बॉक्स लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। बी है, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सी है, ये आंखों के लिए शीतल है। डी है, ये चमकदार रोशनी देती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम बाष्प नियॉन, पारा बाष्प आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28, 20। 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है? मैग्नीस सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फर डाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है? कल्ली का चूना, अनुबुजा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो एप्पल क्या है? तो एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुक मार्क। तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम, सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्राम बनाता है, रेखा चित्रों को निर्देश में बदलता है, द्रव श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डॉट के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं? बिल गेट्स, ली एन फियोक, एन रसेल, टिम बर्नर्स ली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाइट्स में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, रेखा चित्र, विज्ञान, वाणिज्य। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, सूचना। तो क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चार अंकों वाली तारीखों को संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? Y2K समस्या, डेट वर्क, 4D समस्या, कंप्यूटर वर्क। तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं Y2K समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम, 10,000, IBM चिप्स। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर।